शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित श्री गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमाओं का सोमवार को भी राप्ती नदी के किनारे बने कृत्रिम पोखरा में कृत विसर्जन किया गया। देर रात तक राजघाट स्थित राप्ती नदी तट पर बने 3 कृत्रिम पोखरा में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। प्रतिमाएं छोटी थीं, इसलिए अधिकतर का विसर्जन राप्ती तट पर हुआ। पुलिस फोर्स की सख्ती के चलते मूर्तियों का विसर्जन बागागाड़ा पुल से नहीं हो सका। नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम पोखरों में ही विसर्जन किया गया। इस संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने बताया कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नगर निगम द्वारा बनाए गए 3 कृत्रिम पोखरों में ही किया गया। राप्ती पुल के पास पुलिस और फायर ब्रिगेड मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने कहा, yeah!
देखिए महानगर में महालक्ष्मी पूजा का विसर्जन करने के लिए यहाँ पे राजघाट पुल के पास तीन मतलब आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं, तीन तालाब बनाए गए हैं जिसको चारों तरफ से बैरिकेटिंग भी किया गया है और जगह जगह प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है ताकि जो भी मूर्ति हो वहाँ पे मतलब वो आराम से उनका विसर्जन किया जा सके। शिफ्ट वाइज हम सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाए हुए हैं। यहाँ पे दो पोकलेन मशीन लगी हुई है, 10 हमारे ट्राली ट्रैक्टर लगे हुए हैं और 10 हमारे टाटा मैजिक लगे हुए हैं। सफाई कर्मी मूर्ति को जो विसर्जित कर दिया जाता है किनारे ले आते हैं, उनको हम लोग फिर निकाल करके बाहर एक जगह पुल के नीचे इकट्ठा करा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए भी इसको हम लोग सारा नियम पालन फॉलो कर रहे हैं और किसी पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जगह जो हमारी सफाई हो रहा है, चूना पड़ रहा, मालास्यान चूने की डस्टिंग कराई जा रही है, किसी पर कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। अब तक 60 से 70 के बीच में मूर्तियाँ आ चुकी हैं और 100 से 150 के आसपास आने की संभावना है।